औरैया जिले में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर वीआईपी आने पर इस कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में लगा है, जिसको लेकर एक सप्ताह पहले योग अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान जनपद के जिलाधिकारी एक अलग ही रूप जब देखने को मिला, जब वह यमुना तट पर पहुंचकर वहां के फैली गंदगी को देख वह खुद साफ सफाई करने के लिए झाड़ू लगाने लगे। ये देख साथ और अन्य जिले के उच्च अधिकारियों ने भी अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगे, जिसके बाद सभी योग दिवस को लेकर सभी पूर्व योगाभ्यास करने लगे। साप्ताहिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है, जिसको लेकर योग करने भी पहुंच रहे लोग जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस योग करने का मकसद लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना था। एक सप्ताह के इस कार्यक्रम में आज पांचवा दिन था, वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो इस बार स्टेडियम में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मंत्री को भी आना है और इसे अन्य जिलों से विशेष बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को योगा के लिए प्रेरित करना है। ये सप्ताह का एक आयोजन था, जिसके तहत आज पांचवें दिन हम लोगों ने यहाँ पे किया यमुना तट पे। इसी क्रम में मैं आपको बता दूँ, कल ऐतिहासिक स्थल, यहाँ का धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक स्थल देवकली मंदिर है, उसके प्रांगण में हम लोग इसका आयोजन करेंगे। और परसों हमारा मेगा योगा डे है, जो 21 जून योगा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उस दिन यहाँ के स्टेडियम में कार्यक्रम करेंगे, जिसकी अध्यक्षता एक माननीय मंत्री जी आएंगे, वो करेंगे और हम सभी उसके सदस्य होंगे।